दूर जाने के लिए चंडीगढ़ से वापस आई थी और मैं तुम्हारे पास आने के लिए यहाँ आ गया। सिंपल। वैसे भी जो दिल कितने करीब होता है उससे इतना दूर रहा नहीं जाता। अब ये एहसास तो तुम्हें भी हो गया वो, राइट? इतना चौंक क्यों रही हो? मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं क्या? जो तड़प मेरी आंखों में, जो दर्द मेरे दिल में, वही तड़प और दर्द तुम्हारी आंखों और तुम्हारे दिल में भी है। प्यार तो तुम भी करती हो मुझसे, क्यों? विराट प्लीज, मैंने तुमसे कब कब, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार कहने की नहीं, महसूस करने की चीज होती है, जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। I know. You love. विराट, प्लीज विराट, मेरे लिए प्लीज ये सब और मुश्किल मत करो, यहाँ से चले जाओ। उसे तुम्हारी आंखें बंद नहीं खोलने में अपने दिल की बात बाहर निकालो पार्टनर, अपनी जबान से बोलो, कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार। विराट, समझने की कोशिश करो प्लीज, मुझे भूल जाओ विराट, प्लीज यहां से चले जाओ। मामी, मैं तुम्हें भुलाने नहीं पाने आया हूं, कुछ कहने कुछ सुनने आया। विराट देखो, जो मैं फील ही नहीं करती हूँ वो कैसे बोल दूँ मैं? कोई किसी को जबरदस्ती आई लव यू बोलता है क्या? तुम क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो विराट? प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसी बात है, ठीक है, एक काम करो, अपना हाथ अपने दिल पे रखो और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अपनी आंखों से मेरी आंखों में देखो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। मैं यहां से चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। जानता हूं तुम्हारी जबान झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं। तुम्हारा बर्ताव झूठ बोल सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल की धड़कन मैं इस वक्त सुन सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन अब मैं तुमसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि तुम अपने प्यार का इजहार करो, क्योंकि अगले 7 दिन में, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर तुम खुद अपने आप अपने प्यार का इजहार मुझसे करोगे। तुम्हारे मुझसे आई लव यू सुनने के बाद ही
मैं ऋषिकेश से वापस जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे और अपने आप से। 7 days। क्योंकि अगले 7 दिन में तुम खुद अपने आप अपने प्यार का इजहार मुझसे करोगे। लगता है मनु और डब्बू अभी तक नहीं उठे। कोई बात नहीं, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। देखो जीविका, विराट को सारी सच्चाई पता चल गई और ऋषिकेश निकल चुका है, लेकिन मैंने अपनी सुबह से एक शब्द नहीं कहा। विराट तो यहाँ आने के लिए निकल पड़ा, लेकिन मैं उसे कैसे समझा कि मामी से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। तरुण, किचन से प्लेट लेके आना। थैंक यू तरुण। थैंक यू मुझे या तरुण को? विराट, तुम आ भी गए। यस भाभी, शुभ काम में देरी किया। अभी भी थोड़ी देर पहले आया हूँ, भाई ने आपको बताया होगा। वैसे भाई आपको काफी मिस कर रहे थे, कह रहे थे कि मामी से मिलने आए हो ना। जी भाभी, अभी प्लीज अब आप मेरे आने से गुस्सा मत कीजिएगा या कुछ गलत मत सोचेगा। मैं जानता हूँ भाभी, चंडीगढ़ में जिस तरीके से मैंने सबके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया था वो गलत था, वो सिचुएशन गलत थी, वो तरीका गलत था। मैंने सोचा था कि अपने प्यार का इजहार बहुत अलग तरीके से करूँगा, जहाँ पर बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक हो और फोरग्राउंड में मैं वापस मान गई। मैजिकल मोमेंट में सिर्फ मैं और मानवी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं, दूर दूर तक तीसरा कोई नहीं। और मैं मानवी से कहता, मानवी तुम्हारी आंखों में मुझे अपना आने वाला कल दिख रहा है, क्या वही कल तुम मेरी आंखों में देखना चाहोगी? हम दोनों एक साथ, मानवी तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। लेकर मुझे और हमारी लव स्टोरी को पूरा कर दो। लव यू मान। खैर, वो सपना था और सपना ही रहेगा, क्योंकि तुम्हें मानवी को ऐसे प्रपोज नहीं कर सकता। खैर, जो भी हो जैसे भी हो, अब तो वो जान गई है कि मैं उससे प्यार करता हूं, और मैं भी जान गया हूं कि उसके दिल में क्या है। मानवी ने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं भाभी, मानवी ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या है ना, जब हम किसी के बहुत करीब होते हैं तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ महसूस कर लेते हैं। वैसे भी मानवी और मेरा पहले से कनेक्शन है, हम एक दूसरे की बातें जान जाते हैं। जैसा मैं महसूस करता हूँ
हम भी वैसे महसूस करते हैं। इनफैक्ट भाई ने मुझे बताया कि रेंजी से कहा था कि वो तुम्हें कुछ नहीं पता, ने मुझे प्रॉमिस भी किया था। अभी यकीन मानिए, भाई ने मुझे अपनी जबान से कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट जिस तरीके से आपकी बात रखते हो, उन्होंने एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाया है, उसी तरह खेल खेल में इशारों में मुझे समझा कर उन्होंने एक अच्छे भाई होने का फर्ज निभाया। अभी अब आप प्लीज गुस्सा मत होइए और एक भाभी की तरह सोचिए ना। विराट, मैं एक भाभी की तरह ही सोच रही हूँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि प्लीज मानवी से दूर रहो। विराट प्लीज समझने की कोशिश करो, वरना बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। नहीं भाभी, कोई बड़ी मुश्किल नहीं होगी। इस दुनिया में अगर कोई है तो आप हो, जो मानवी और मेरे बीच ये फासले कम कर सकता है। आप ही वो कड़ी हो जो मुझे और मानवी को मिलवा सकते हैं। भाभी भाभी, मैं मानवी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं मानवी से दूर नहीं, पास आना चाहता हूँ, उसको खोना नहीं पाना चाहता हूँ। भाभी प्लीज, एक बहन की तरह या भाभी की तरह आपको जैसे सोचना है वैसे सोचो, लेकिन प्लीज मुझे मानवी को दूर मत कीजिए। प्लीज भाभी, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज भाभी, प्लीज 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 प्लीज, आई बेग यू भाभी, प्लीज। जीविका बेटा, ये कौन है? विराट तो जी, पिजी नमस्ते, मैं अभी अभी आया इसलिए अभी के पैसे लेता, आपके भी पैसे लेता जी। अरे क्या हाल है, नहीं आया साथ में, अकेले आए हो? भाई थोड़ा बिजी थे, लेकिन उनका दिल ऋषिकेश में है तो कब तक बिजी रहेंगे, आ जाएंगे आज नहीं तो कल, क्यों भाभी? वैसे अपनों के बगैर अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। सही कह रहे हैं आप। ये तुमने अपने बाल छोटे करवाए हैं, कोई नया फैशन आया क्या चंडीगढ़ में? बेटा तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे और घने थे, क्यों कटवाए? जी एक्चुअली क्या है ना, इस बार चंडीगढ़ में टेम्परेचर 45 से ऊपर चला गया था, तो मैंने सोचा कि बाल कटवा ही लेता हूँ, बाहर निकलो तो पसीना पसीना, बाल भी खिले हो जाते थे, तो मैंने सोचा कि वो नया लुक क्या अपनाऊं। क्यों राजू, अच्छे ही लग रहे क्या? नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हीरो जैसे लग रहे हो। बड़वी जी चलिए नाश्ता कर लीजिए, चलिए। मुझे भूख नहीं बाबा। क्यों नहीं है? कल रात को भी मैंने देखा आपने ठीक से खाना नहीं खाया, और जब से मैं आई मैं देख रही हूँ आप ठीक से खाना नहीं खा रहे, क्यों? सर पड़ी मत करना बाबा, भूख नहीं है। पर क्यों बड़ी भी? क्योंकि उनको कोई प्यार से खिलाने वाला नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं खिलाऊंगा। मेरी बना बीजी। विराट बेटा, कब आया? जी। तेरे बाल को क्या हुआ? बेटा, तेरी हर मुराद पूरी हो जाए, तुझे बहुत खुशी मिले। बड़ी जी, नाश्ता? अरे हाँ जरूर। विराट आ गया ना, तो मेरी तो भूख और मेरी जान दोनों आ गए, सब पराठे खा दूंगी। पराठे खाएंगे। विराट सुन सुन, तेरे छोटे छोटे बाल में है ना, बहुत हैंडसम लग रहा है। थोड़ी सी छोटी होती ना लगती हो जाती। इसी बात तो पराठे खाएंगे। बाप रे, अब तो विराट का हौसला बढ़ाने वाला, उसे इस घर में एक जोड़ीदार भी मिल गया, पता नहीं क्या होने वाला है। इस विराट ने तो आते ही पूरे घर में रायता फैला दिया, कैसे ठीक करूं सब कुछ, कैसे उसे वापस भेजूं? अब तक तो सारे घर वालों को उसके आने की भनक भी लग गई होगी, तू क्या सोच रही होगी? और जाके देखती हूँ।
घर में इतना सन्नाटा क्यों है? किसी की आवाज तक नहीं आ रही। विराट के रहते हुए इतनी शांति, कहीं कहीं विराट वापस तो नहीं चला गया? दी ने उसे डांट वाट के वापस चंडीगढ़ तो नहीं भगा दिया? क्या बदतमीजी है विराट, एक तो लड़की, वो भी बीमार, कोई ऐसे डराते क्या उसे? बीमार? यार तुम बीमार? तुम तो ऋषिकेश की अक्षय कुमार हो, राउडी जॉन। अच्छा वैसे ये बताओ, मुझे देखकर तुम्हें खुशी हुई कि नहीं? मैं आया यहाँ पर, so are you happy? मुझे क्यों खुशी होगी? क्योंकि खैर छोड़ो, वो बात तो तुम अपने आप मुझसे कहोगी। मैं तो इसलिए आया था कि तुम्हें बता दूं कि ब्रेकफास्ट रेडी है, नाश्ता कर ले, कम और हाँ, 7 days I'm waiting. Tick, tick, tick. Dabu. Madan. Virat, तुम ऋषिकेश किसी काम के सिलसिले से आए थे या फिर सिर्फ घूमने फिरने? जी, वो क्या है, ऋषिकेश के लोग होते इतने प्यारे, तभी तो मैं भाभी और मानवी के पीछे भागा भागा ऋषिकेश आ गया। प्यार हो गया मुझे। खासकर की ऋषिकेश की लड़कियों से, वो क्या है ना, मुझे ऋषिकेश की लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं। सोच रहा हूँ यहीं से किसी लड़की से शादी कर लूँ। मानिए बेटा, संभल के। मिल गई लड़की। हाँ, मिल गई लड़की। विराट भैया, आपको पता है अब बहुत सही टाइम पे आए हो। हाँ, मेरी नजर में ना आपके लिए बहुत अच्छी लड़की है ऋषिकेश की। कौन है बेटा तेरी नजर में? अरे बीजी, वही हमारी काम वाली कमलावती, उसकी बेटी। हाँ। अरे क्या है ना, वो मुझे बता रही थी कि वो अपनी बेटी के लिए एक योग्य पति ढूंढ रही है। हाँ। और योग्य पति और कौन हो सकता है, मुझे तो सुनते ही सबसे पहले विराट भैया का ख्याल आया। अबे ए अक्कल के बैल, ये जीविका का देवर है, वडेरा खानदान का बेटा है ये। ये तेरी काम वाली की लड़की के साथ शादी करेगा? ए मदन, इतना लड़का है ना, तो ऊपर का कमरा खाली है, खाली। बड़ी बीजी शांत हो जाइए भाई, हम ढूंढेंगे ऋषिकेश की लड़की विराट के लिए। अरे ढूंढने की क्या जरूरत है, बगल में तो मेरे कहने का मतलब है कि बगल में आजू बाजू ढूंढना चाहिए ना, कौन मना कर रहा है? वैसे विराट, एक बात तूने बिल्कुल सही कही, ऋषिकेश की लड़कियां बिल्कुल गुणवान और सुशील होती हैं, जैसे जीविका भाभी और मानवी। भाई इनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए ना उतनी कम है। बेटा ये तो अच्छी बात है कि तुम ऋषिकेश की किसी लड़की से शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पसंद क्या है जरा हमें बता दो, तो हम भी लड़की देखना शुरू कर दें। बीजी वो तो मुझे दिख चुकी है, हमेशा मेरी नजरों के सामने रहती है। मानवी,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।